So guys, right now I'm in my full gear, but I forgot to bring my own helmet ना. So अभी आलो का एक शॉप से ये हेलमेट लेने के लिए हम आए. तो देखते हैं यहाँ से कौन सा हेलमेट मैच करता है. I'm trying this one. This looks good, right? ये भी है. SMK का ऑर्डर किया था. SMK का सेल बहुत काफ़ी बल्की था, तो दैट्स वाई हम रिटर्न कर दिया अभी. एंड दूसरा वाला ये अभी इसका सेल छोटा है, लेकिन ये एट द सेम टाइम ये डॉट अप्रूव नहीं है, ISI मार्क के होंगे. यही बैटरी यही जच रहा है लग रहा है इसके साथ. ठीक है, यही ले लेते हैं. गाइस, दिस इज माय आउटलुक बाइक ड्रेसिंग के साथ. तो अभी मैं जब एलोंग से आ रहा था तो मैंने 3 राइडर्स को मैंने ओवरटेक किया. वो भी शायद से बास्कुन के लिए जा रहे थे. अभी मैं आंगू पहुंचा हूं यहाँ पे. अभी दिखाता हूं उन 3 राइडर्स को यहाँ पे आते हुए. राइडर्स 3 राइडर्स आ रहे हैं. 3 राइडर्स यहाँ पे आ रहे हैं. सो गाइस, एनीवे हम पहुंच चुका है. अभी हम खेती पहुंच चुका है. यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएगा बाजार, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लेगा. हम मेडिकल से आए ना, तो हम खाना खाने का टाइम नहीं मिला. तो अभी यहाँ पे खाना खा लेगा. खाना खाने के बाद जाएगा बाजार. पहुँच चुका यहाँ पे. पूरा देखो पानी सूख चुका है. वहाँ पर पूरा गद्दा करके यहाँ से पानी को पूरा जाने दिए. पूरा यहाँ से पानी को उधर फेंक दिया. नया पानी डालेगा, क्योंकि वो फिश काफ़ी सारे फिश बीमार पड़ रहे थे ना, इसलिए. अरे वहाँ पे कुछ सुनाई दे रहा है. वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस वगैरह चालू कर दिया. तो मेरा प्रोग्राम ये है कि अभी डेविड लुक का परफॉर्मेंस है आज बास्कुन में, तो हम भी वो लोग के साथ जाएगा और वो लोग का परफॉर्मेंस को भी कवर करेगा. एट द सेम टाइम बास्कुन भी हम फर्स्ट टाइम जाना होगा. हम कभी बास्कुन गया नहीं, तो दिस विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बास्कुन, जो बसार में एक कैलेंडर इवेंट है, हर साल होता है दिसंबर के महीने पे. तो इस साल भी जाके देखिएगा. यह प्रैक्टिस चालू है ऑलरेडी. तो ये फार्म हाउस, ये लोग बैंड लोग यहाँ पे कल स्टे किया था कैंप में. आई हाय कैंपिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया ये लोग. कल यहाँ पे स्टे किया वो लोग ना. 4 कैंप है. बढ़िया है ना लोकेशन. अपना फॉर्म है एंड खुद ही कैंप वगैरह ला के वो कर सकते हैं. खाना खाएगा. सो हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से आंगू से, पूरा पैकअप करके. तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टॉप होगा बाजार. सो निकल रहे ये लोग गाड़ी से जाएगा. गाड़ी में जगह खाली है, लेकिन हम बाइक से जाएगा. तो गाइस, हम लोग बाजार पहुंच चुके हैं. और बाजार के या जहाँ पे बास्कुन 6.0 किया जा रहा है, वेन्यू के सामने पहुंच चुके हैं. तो यहाँ पे फ़िलहाल तो गाड़ी काफ़ी नहीं दिख रहा है, मतलब ठीक है रास्ता, लेकिन देखते हैं. हम लोग को ये बताया गया कि नदी क्रॉस करके जाना होगा. तो लेट्स सी क्या होता है, आगे चल के देखते हैं. तो एक्चुअली ये नदी हम लोग को एक्चुअली जो नॉर्मल जो ऑडियंस एज ए ऑडियंस आओगे तो आपको ये रास्ते से नहीं आना होगा. आपको गाड़ी राइट साइड में गाड़ी पार्किंग का प्लेस है. आप देख रहे हो राइट साइड में काफ़ी सारे गाड़ी पार्क किया हुआ है, वहाँ पे पार्क करके आप आ सकते हो. लेकिन हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे सामने में सामान को उतारना होगा ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स होगा, गिटार वगैरह गाड़ी में है, गाड़ी आगे गया है. तो इसके लिए हम लोग को जितना हो सकेगा पास में जाना है, मतलब वो इवेंट जहाँ पे हो रहा है उसके पास में. तो लगे हाथ में भी जा रहा हूँ. देखिए गाइस, समहाउ क्रॉस कर लिया मैंने. एंड नीचे पाव नहीं रखा. पाव रखता तो, मतलब पैर रखता तो मेरा शू गीला हो जाता. तो समहाउ आई सर्वाइव. इससे तो वामी है भाई, इससे तो वो है तो ना. हाँ, तो वामी गाड़ी जाता है इससे सामने तक.
स्नेहत है। तो गाड़ी कहाँ तक जाती है यहाँ से? इसी साइड नहीं जाते ना? हाँ गाइस, वो स्टेज के अंदर तो नहीं जा सकते गाड़ी, लेकिन स्टेज के पास तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर मेरा बाइक नहीं जा पाएगा क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है। तो ये कार पे मैं जाऊँगा लिफ्ट लेके ताकार के साथ। तो देखिए आगे कैसा रहता है। स्ट्रेट ना? हाँ, वो ब्रिज के बस बाजू से ये बास्कुन का रास्ता है, वो स्टेज है राइट साइड। तो हम लोग स्पॉट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे वहाँ पे बलून भी है, स्टॉल काफ़ी सारे स्टॉल्स है यहाँ पे। रिवर के उस पार भी है, रिवर के इस पार भी है। मेन स्टेज आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे होने वाले। सो गाइस, हम जो गाड़ी से गया था वो एंट्री अलग था। तो ये एक्चुअल में जो एक्चुअल एंट्री है जो पब्लिक के लिए, वो रस्ते से दिखा रहा हूँ आपको। एंट्री के साथ ही साथ आपको स्टॉल्स का पूरा भरमार मिलेगा। राइट लेफ्ट दोनों बाजू पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और मैं ये आपको यहाँ का जो बैकग्राउंड में काफ़ी सारे अलग अलग बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूज़िक बज रहा है, वो आपको मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मतलब कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रोस्टिंग चालू है, अलग अलग आपको यहाँ का पूरा डिश, लोकल डिश सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। रोस्टिंग है, लोकल राइस पियर मिलेगा। देखिए बीच में इतना बड़ा मैदान है, बाद में देखिएगा ये मैदान पूरा, ये ग्राउंड जो है बीच में एरिया जो है सपाट एरिया, ये पूरा भर जाएगा लोगों से। काफ़ी सारे लोग आने का उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि आज डेविड लोगों का परफॉर्मेंस है। तो डेविड का अच्छा खासा फैन फॉलोइंग्स है यहाँ पे पसार में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। देखिए स्टेजेस इतना अच्छा से बनाया है, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपर लाइक लॉन्ग टर्म हाउसिंग बनाया है। लेकिन ये सिर्फ बास्को नेक्स्ट ईयर फिर से ये तोड़ के नया बनाया जाएगा। फिर भी देखिए क्वालिटीज़ देखिए, इतना अच्छा तरह से बनाया है। हर एक स्टॉल्स के आगे में बैठने का जगह, और देखिए आग जला के बैठने का जगह है। उसके बाद पीछे में भी है बैल्कनी, पीछे साइड में भी किचन वगैरह का एरिया बनाया गया है। बहुत प्रॉपरली प्लान किया गया है, हमको तो बहुत अच्छा लगा है जिस तरह से किया है। इतना मतलब क्वालिटी वाला मतलब स्टॉल्स तो मैंने पूरा स्टेट में कहीं नहीं देखा, वो भी टेम्प्रेरी स्टॉल। हाँ बाय द वे, ये चार दिन का जो तीन या चार दिन का प्रोग्राम है उसके लिए इतना ख़तरनाक मतलब एकदम क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टॉल बनाया यहाँ पे। हर स्टॉल के अंदर तो जाके नहीं देख सकता मैं, बाद में दिखाता हूँ, कोई एक दो स्टॉल के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसे देखते हैं वो स्टॉल। तो यही है, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे। स्टेज को दिखाते हैं, यहाँ से स्टेज भी दिखाई देता है तो स्टेज दिखाता हूँ। ये दो नदियों के बीच में है, मतलब ये मतलब नदी डिवाइड हो रहा है ना, छोटा छोटा आइलैंड जैसे फॉर्म हो रहा है बीच में, तो ऐसा है। तो ये देखिए छोटा सा नदी है, वो बीच में स्टेज बना हुआ है। देखिए ये बैक साइड है, हाँ एवरी स्टॉल का बैक साइड में से बैलकनी बना हुआ है। गाइस देखो इसको बहुत प्रॉपरली डिज़ाइन किया है, यहाँ पे स्टेज यहाँ से देख सकेगा नदी के पार से, एंड एट द सेम टाइम यू कैन गो नियर द स्टेज ऑल्सो। यहाँ पे शायद वीआईपी चीफ गेस्ट वहाँ पे बैठेगा, बढ़िया है। सो दैट्स द स्टेज, आई थिंक स्टेज में प्रिपरेशन चालू हो गया। स्टेज के बाद जो लोगों को बैठने के लिए भी यहाँ पे बना दिया, मतलब काफ़ी अच्छा से बनाया है, नो डाउट बहुत बढ़िया बनाया है, बढ़िया प्लानिंग के साथ बनाया है, एग्जीक्यूशन भी बढ़िया किया है। सो स्टेज में डेविड लोग पहुंच चुके हैं, वो लोग साउंड टेस्टिंग करेगा। लेट्स सी साउंड टेस्टिंग कैसा होता है उनका। ये लोकल गालो ट्रेडिशनल ड्रेस, ये लोग भी परफॉर्म करने वाले शायद से आज। सो दे आर ऑलरेडी इन द स्टेज नाउ। यहाँ पे ये स्टेज है, अभी वो साउंड टेस्ट के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये साउंड टेस्ट करे डेविड लोग अभी ना। Blue All Four, and of course we have performance by David Ango and the Tribe. Guys, मेरा कॉल यहाँ पे ये है कि बास्कुन का फेस्टिवल का बहुत बढ़िया जगह है, बोटिंग वगैरह भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वहाँ पे बलून में भी आप राइड कर सकते हो, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठाएगा। खाने पीने के लिए दारू, लोकल अल्कोहल के लिए एनफ यहाँ पे मतलब है, मतलब स्टॉल्स की भरमार है यहाँ पे। आपको बताऊँ कि यहाँ पे कितना स्टॉल्स है, 69 समथिंग 70 तो मैंने देखा यहाँ पे, बड़ा ज़्यादा स्टॉल्स है। वो भी स्टॉल्स भी ऐसा नहीं कि बस टेम्प्ररी बनाया, इतना अच्छा से स्टॉल्स बनाया है यहाँ पे। देखिए आग जलाने के बैल्कनी बनाया है, स्टॉल्स है, सबका वहाँ पे बैल्कनी दिया हुआ है।
तो गाइस ये बहुत 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 बढ़िया क्या है फेस्टिवल, बहुत अच्छा है। मतलब टोल को कंपेयर किया जाए तो लोग काफ़ी कम है यहाँ पे ना। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम को तो फ्री था शायद से, इस साल क्या हुआ है कि इस साल उन लोगों ने कुछ चेंज कर दिया, चेंज के और ऊपर भी कुछ है, आई डोंट नो, ऊपर भी जाके देखते हैं। इको एडवेंचर कैंप है वहाँ पे। तो लास्ट टाइम का कंपेयर में यहाँ पे क्या हुआ है बोले तो लास्ट टाइम यहाँ पे फ्री में था एंट्री, इस बार क्या किया उन लोगों ने, इस टाइम उन लोगों ने किया कि बाहर के लोगों को 1000 रुपये ले रहे हैं, बल्कि यहाँ के आप ये डिस्ट्रिक्ट लपारा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आपको 100 रुपया लिया जा रहा है, और बाहर के आप आते हो बाहर डिस्ट्रिक्ट के, अरुणाचल के ही लेकिन बाहर डिस्ट्रिक्ट के, लपारादो को छोड़ के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो तो आपको लिया आ जाएगा पूरे 1000 रुपये। और आप अगर बाहर से ये बाहर से लाइक नॉन ट्राइवल या नॉन अरुणाचली आओगे तो 2000 रुपये। तो जिसके वजह से मुझे लगता है कि दिस इतना अच्छे से करने के बाद भी लोग नहीं आ पा रहे, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्राउड यहाँ पे बांसकोन में नियर बाई टाउन जैसे कि एलोंग से आते हैं और लिखावाली ना पासीघाट ये साइड से आते हैं। लेकिन अगर आप इतना रेट हाई करोगे बाहर वालों के लिए, रेट हाई का तो प्रॉब्लम नहीं लेकिन बाहर वालों के लिए आप 10 times बढ़ा रहे हो तो कुछ तो इशू रहेगा। तो वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे इशू क्या है। ये इको एडवेंचर कैंप है क्या है पता नहीं, ओ ट्री हाउस वगैरह वगैरह बनाया हुआ है यहाँ पे। लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे, यहाँ पे ट्री हाउस बनाया हुआ है, वाह बढ़िया नाइस, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। एंट्री चार्ज है क्या, कैसे करके लेते हैं? 150 ना, बस घुसने का ना, ठीक है ठीक है चलेगा। यहाँ पे भी सेम चार्ज लगता है? अच्छा 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 अच्छा, तो आप वहाँ पे तो चार्ज देते हो, वहाँ से एंट्री करने का तो चार्ज देने का है, फिर यहाँ पे आने का भी अलग से चार्ज देने का है। तो आई डोंट नो, ठीक है चलो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का क्या। ओ यहाँ पे पर हेड एंट्री भी है यहाँ पे 200 रुपये। ये व्यू देख लीजिए यहाँ से, पूरा कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे भी स्टॉल्स लगा हुआ है, वहाँ पे भी स्टॉल्स लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है, और वो दूर में भी, बहुत दूर में भी लगा हुआ है, काफ़ी जगह पे स्टॉल्स लगा हुआ है, लेकिन लोग उस हिसाब से काफ़ी कम है। मैंने आपको दिखाया कि स्टॉल्स में लोग थे ही नहीं। चलो अभी परफॉर्मेंस कवर करते हैं। घास इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वो लाइट की वजह से बादल लगा मुझे पहले, लेकिन ये लाइट डेकोरेशन लाइट स्टेज लाइट की वजह से। तो अभी क्या हो रहा है कि साउंड चेक किया जा रहा है, साउंड चेक गाइज यहाँ पे काउंटर है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे टिकट काउंटर काटा जाता है। सो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट का लपरादा डिस्ट्रिक्ट का को 100 रुपये, बाहर का 1000 एंड आउटसाइड स्टेट वालों को 2000 रुपये। थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है सिस्टम जो है, बट स्टिल जो है मैं वैसा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फुल ऑन जोशीला मूड है यहाँ पे, देखते हैं अंदर कैसा रहता है, लेट्स गो। सो देखिए टोटली मतलब सीन चेंज हो चुका है। पहले मैंने जो वीडियो दिखाया था आपको वो शाम के समय का था जब काफ़ी कम लोग थे, अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं एंड क्राउड इज मतलब अभी पूरा जोशी, जो एक जोशी वाला एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एकदम शोर शराबा क्राउड पैक है, एकदम पैक। अभी देवी दो का शो होने वाला है, आई गेस 9 बजे से चालू होगा, अभी और 1 घंटा या 1.5 घंटा का टाइम है, तब तक हम लोग थोड़ा चिल आउट मार लेंगे, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे, लेट्स गो। तो गाइस देखिए क्राउड काफ़ी हाई है, पैक है एकदम, क्राउड एकदम पैक है, पूरा पैक क्राउड है, एकदम पैक है पूरा। सो मैंने अभी माइक लगा लिया ताकि मेरा जो आवाज़ है क्लियरली आप तक पहुंचे। लाइक आई सेड कि क्राउड काफ़ी अच्छा है एंड क्राउड काफ़ी बढ़िया है, मतलब क्राउड का नंबर्स भी बहुत बहुत अच्छी तरह से नंबर्स भी बढ़ चुका है। सो चलिए देखते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी एक स्टॉल है
वहाँ पे मेरा भाई टुक्का वहाँ पे वेट कर रहा है, लेट्स ट्राई टू फाइंड हिम। एक्सक्यूज मी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके बता, कैसा लगा बोल बोल ना बोल आए वीडियो ला दे ना, आ गया ऑलरेडी, तुम आ चुके नहीं नहीं आ चुके हैं। तो मेरा फ्रेंड ये मुमकिन वापस जाएगा बोला, इसका तबीयत ठीक नहीं है। सो गाइस मेरा दूसरा भाई है वहाँ पे जो कैमरा ले रहा है, तो हम दोनों भी साथ में घूमेगा, बाकी डेविड लोग को बाद में कैचअप कर लेगा। ठीक है चलो मिलते हैं ना, डायरेक्ट जाओ घर। ठीक है का होगा। तो डेविड लोग का गाड़ी लोग गाड़ी आ रहा है अभी। ये बढ़िया सा एक फ्लूट प्लेयर निकल गया है यहाँ पे बीच में, सो वी आर गोइंग बैक स्टेज। डेविड लोग का यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे। वो साउंड वाला का